ये बात है आयरलैंड के डबलिन शहर की, जहाँ पर एक लड़की सड़क पर कहीं जा रही थी और वो रास्ते में अपनी मॉम को फ़ोन करके ये बताती है कि वो जल्दी ही घर आने वाली है कि तभी इस लड़की को सड़क पर पड़ा है एक फ़ोन दिखाई देता है जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। वो लड़की फ़ोन को उठाने जाती है लेकिन सडनली पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर लिया जाता है और फिर किडनैपर्स उसे वैन में भरकर कहीं पर ले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और एक रूम में आता है जहाँ पर ये लड़की पड़ी हुई थी और जब ये नींद से उठती है तो ये देखती है कि यहाँ पर दो और लड़कियाँ कैद हैं जिनके नाम थे लिली और एलिसन, और जिस लड़की को जस्ट अभी अभी यहाँ पर लाया गया था उसका नाम था कायरा। फिर यहाँ पर किडनैपर आता है और सभी को यहाँ के रूल्स समझाता है कि यहाँ से न भागना है न चिल्लाना है और बस चुपचाप पड़े रहना है, और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की या ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करने की कोशिश की तो उन्हें सभी को गन से उड़ा दिया जाएगा। उन्हें तब तक यहाँ पर रहना है जब तक कि उनकी बारी नहीं आ जाती और वह पूरे समय CCTV कैमरा के कैद में रहेंगी। किडनैपर के जाने के बाद में लिली कायरा को ये बताती है कि यहाँ पर पहले तीन और लड़कियाँ थीं जिन्हें यहाँ से ले जाया गया और उन्हें बस उस लड़की की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। इन सभी लड़कियों के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, ये ठीक से चल भी नहीं सकती थी। कायरा जैसे तैसे खिड़की तक जाती है और वो वहाँ से बाहर झाँकती है तो वे देखती है कि खिड़की के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। कायरा खिड़की से पुलिस वाले को आवाज़ लगाती है उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन पुलिस वाला उसे हाथ दिखाता है और वो यहाँ से चला जाता है, मतलब कि पुलिस वाले भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे। फिर लिली कायरा को ये बताती है कि वो रशियन है और एलिस एक इंग्लिश लड़की है और कायरा एक पुर्तगाली लड़की थी। यहाँ पर जितने भी लड़कियों को लाया गया था सभी अलग अलग देशों की थी, उनके साथ में यहाँ पर क्या किया जाता है ये किसी को भी नहीं पता, और ये तीनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और इनमें से सबसे ज़्यादा डरी हुई थी तो वो थी एलिस जो कि एक बहुत ही मासूम लड़की थी। वे सभी लड़कियाँ बंधी हुई थी और वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो आखिरकार है कहाँ पर, और उनका किडनैपर हर टाइम कमरे के बाहर चौकीदारी करता रहता है, जिसके बाद में किडनैपर अपने आदमी के साथ में आता है और उन्हें खाना देकर जाता है जो कि एनिमल के बर्तन में था, और ये तीनों लड़कियां जानवरों जैसा ही खाना खाती है और इनके साथ में जानवरों जैसा ही ट्रीट होता है। फिर कायरा को वॉशरूम जाना था और वो किडनैपर से वॉशरूम जाने को कहती है और किडनैपर उसे वॉशरूम में ले जाता है जहाँ पर कायरा एक रूम से आती हुई रेड लाइट को देखती है और यही था रेड रूम। फिर यहाँ पर कायरा के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जब कायरा अपने घर से निकल रही थी पार्टी के लिए। वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसके साथ वो पार्टी में ही मेकआउट करती है। पब्लिक प्लेस में ऐसी वैसी हरकत करते हुए उन्हें क्लब का बाउंसर देख लेता है और वो कायरा को पार्टी से बाहर निकाल देता है। जिस बाउंसर ने कायरा को पार्टी से बाहर निकाला था वो किडनैपर के साथ मिला हुआ था और वो कायरा के बाहर जाते ही किडनैपर को फ़ोन कर देता है और किडनैपर कायरा को यहीं से किडनैप करके ले जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट में किडनैपर अपने डैड से फ़ोन पर बात करता है जहाँ पर उसका डैड उसको ये बोलता है कि किसी भी लड़की को कोई भी मारे नहीं और उन्हें पीटा ना जाए, उन सभी लड़कियों को बिल्कुल परफेक्ट रखा जाए क्योंकि जितनी ज़्यादा वो खूबसूरत दिखेगी उतनी ही ज़्यादा उनकी वैल्यू रहेगी। फ़ोन कट करने के बाद में ये किडनैपर ये सारी बातें अपने आदमियों को समझाता है कि लड़कियों को मारे पीटे नहीं, उन्हें अच्छे से रखें, जितनी ज़्यादा वो परफेक्ट रहेगी उतनी ही ज़्यादा उनकी कीमत होगी। जब किडनैपर और उसके आदमी बातें कर रहे थे तो कायरा और बाकी की लड़कियाँ दूसरे रूम से उनकी बातें सुन रही थी। इन सभी को ये लगता है कि यहाँ से उन्हें बेचा जाएगा और उन्हें प्रोस्टिट्यूट के धंधे में धकेल दिया जाएगा, लेकिन लिली ये बोलती है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऑर्गन को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए क्योंकि जिन भी लड़कियों को यहाँ से ले जाया गया है उन्हें उनकी तेज चीखें सुनाई दी है, वो भी कई घंटों तक। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि किडनैपर का डैड और उसकी वाइफ किडनैपर को एक घंटे के अंदर शो चालू करने को कहते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कई अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अपने अपने लैपटॉप या फिर टैबलेट पर लॉगिन करते हैं। फिर लिली किडनैपर से सिगरेट की डिमांड करती है और जैसे ही किडनैपर गेट खोलकर अंदर आता है तो सारी लड़कियों को एक दूसरी लड़की की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ें रेड रूम से आ रही थी। दरअसल रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है जिसे ऑनलाइन डार्क वेब पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यहाँ पर व्यूवर्स को बायर्स कहते हैं जो कि ऑनलाइन बिडिंग करते हैं। जो बायर सबसे ज़्यादा अमाउंट देकर बिडिंग को जीत लेता है उसके हिसाब से ही टॉर्चर की मेथड डिसाइड की जाती है कि कैसे लड़की को टॉर्चर किया जाएगा,
और ये सब इंटरनेट पर डार्क वेब पर होता है ताकि किसी को भी ट्रेस नहीं किया जा सके। ये बायर काफी ज्यादा अमीर लोग होते हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को रेड रूम पर निकालते हैं और फिर इस रेड रूम में टॉर्चर का खेल शुरू होता है। यहाँ पर एक लड़की बेड से बंधी हुई थी और उसे ऑनलाइन डार्क वेब पर दिखाया जा रहा था, जहाँ पर उसकी बिडिंग होती है और जैसे ही बायर बिडिंग जीत जाता है तो उसकी टॉर्चर की मेथड डिसाइड होती है, जिसके बाद में यहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़की के ऊपर चढ़कर उसके चेहरे पर तब तक मुक्के मारता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। वो आदमी बायर के कहे अनुसार उसे इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है और सारे बायर्स इस शो को एंजॉय करते हैं। इनमें से कुछ बायर्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पत्नी से ज़्यादा मज़ा इन रेड रूम के टॉर्चर्स को देखने में आता है और इस लड़की की मौत के साथ में ही ये शो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये तीनों लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कायरा भागने का प्लान बनाती है लेकिन एलिस इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसे ये लगता है कि अगर भागते समय वो पकड़ा गई तो उसके साथ न जाने क्या क्या होगा। लेकिन कायरा जैसे तैसे सभी को भागने के लिए मना लेती है और ये रात को प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। जैसे ही आधी रात होती है और किडनेपर्स और बाकी के लोग सो रहे होते हैं तो ये तीनों लड़की खिड़की के पास जाती है और कायरा जैसे तैसे इस खिड़की को खोलने में कामयाब हो जाती है। लिली सबसे पहले खिड़की से बाहर आती है और वो जैसे ही ज़मीन पर जंप मारती है तो नीचे ज़मीन पर नुकीले कीलें बिछी हुई थी जो कि लिली के हाथों और पैरों में धंस जाती है। लिली के चीखने की आवाज़ को सुनकर किडनैपर और उसके आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि लिली पड़ी हुई है और उसके हाथों और पैरों में कीले घुसी हुई है। वे लिली को उठाकर अंदर लाते हैं और वो उसके हाथों और घुटनों से एक एक करके कीले निकालते हैं, जिसमें लिली को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिसके बाद में लिली की ड्रेसिंग की जाती है और उसे वापस से उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब किडनैपर के डैड को ये पता चलता है कि लिली और बाकी की लड़कियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है तो वो नाराज़ हो जाता है, लेकिन वो खुश भी होते हैं क्योंकि एलिस को कुछ भी नहीं हुआ था। उन सभी के लिए एलिस सबसे ज़्यादा कीमती थी क्योंकि एलिस बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की थी। किडनैपर की मॉम के अनुसार अब बारी थी एलिस की। एलिस को ज़बरदस्ती उसके कमरे से खींचकर लाया जाता है और उसे रेड रूम में बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर रेड रूम के शो के लिए एलिस को रेडी किया जा रहा था और पहले उसका मेकअप किया जाता है। एलिस को सभी बायर्स के लिए ऑनलाइन किया जाता है। सभी बायर्स एलिस की मासूमियत को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी में रेस लगती है कि सबसे ज़्यादा बिडिंग कौन करेगा और एलिस को कौन जीतेगा। एलिस के ऊपर बड़े बड़े अमाउंट की बिडिंग होती है जिसमें एक बायर जीत जाता है और अब उसी के अकॉर्डिंग एलिस के टॉर्चर की मेथड होने वाली थी। ये बायर इतना ज़्यादा सनकी था कि अपनी हॉट बीवी को भी टाइम नहीं देता था और अपने बच्चे को भी टाइम नहीं देता था, जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि अब रेड रूम का टॉर्चर शुरू हो जाता है। बायर के कहने के अनुसार पहले एलिस के मुंह को सुपर ग्लू से चिपका दिया जाता है और फिर उसके घुटनों पर तब तक हैमर से मारते हैं जब तक कि उसके घुटने टूट नहीं जाते और उसके पैरों से उसकी हड्डियाँ बाहर नहीं आ जाती। एलिस का मुंह तो सुपर ग्लू से चिपका हुआ था, वो चीख भी नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो चीखने की कोशिश करती है तो उसके होंठ फट जाते हैं। धीरे धीरे एलिस की उंगलियां भी काट दी जाती है बायर के अनुसार। फिर टॉर्चर करने वाला आदमी एलिस के टॉप को फाड़कर उसके चेस्ट पर एक कटर से बायर का नाम लिखता है और उसके चेस्ट से वो चमड़ी निकाल देता है। लेकिन बायर एलिस की इस मेथड को नहीं देख पाता क्योंकि उसका नेट बंद हो जाता है पावर कट होने के कारण। एलिस का बायर ये शो मिस कर देता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा अमाउंट एलिस पर लगा हुआ था। यहाँ पर टॉर्चर करने वाला आदमी धीरे धीरे एलिस के शरीर की चमड़ी निकालता है और उसकी बॉडी के पार्ट्स को काट काट कर बाहर निकाल कर कैमरे की ओर दिखाता है और फिर इन दी एंड एलिस की मौत के साथ ये रेड रूम का शो एंड हो जाता है। एलिस का बायर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, वो अपनी बीवी और अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर ये बायर किडनैपर को रेड रूम की वेबसाइट पर मैसेज करता है और उससे कहता है कि उसे एक प्राइवेट शो चाहिए जिसके लिए वो $4 मिलियन भी चुकाने को तैयार है, लेकिन उसे इस शो में कोई लड़की नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा चाहिए, जिसके लिए ये किडनैपर राज़ी हो जाता है और वो $4 मिलियन के लिए इस बच्चे को टॉर्चर करने के लिए भी रेडी थे। फिर जल्दी ही किडनैपर एक बच्चे को किडनैप करने के लिए शहर के लिए निकलते हैं। किडनैपर का बॉस यहीं पर था कायरा और लिली के पास में। कायरा किडनैपर से उसकी गन छुड़ाने की कोशिश करती है और इस लड़ाई में कायरा से किडनैपर की गन चल जाती है और वो सीधा लिली के शरीर में जाकर घुसती है,
जिससे कि लिली वहीं पर मर जाती है। कायरा यहाँ से निकलकर रेड रूम में पहुँचती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि एलिस पलंग पर बंधी हुई है और वो मरी पड़ी है। कायरा देखती है कि एलिस के साथ में यहाँ पर एक और आदमी है जो कि वेबसाइट का ऑपरेटर था और उसे भी यहाँ पर किडनैप करके ही लाया हुआ था, क्योंकि उसे ये पता था कि डार्क वेब की वेबसाइट को कैसे ऑपरेट किया जाता है। इधर ये किडनैपर एक बच्चे को पकड़कर ला चुके थे, लेकिन कायरा दोनों किडनैपर को गोली से मारकर बच्चे को बचा लेती है और वो उसे कार में बैठाकर यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती है। वो बस कार स्टार्ट कर ही रही थी कि तभी किडनैपर का बॉस उसके चेहरे पर एक एक्स से अटैक करके कायरा को यहीं पर निपटा देता है। किडनैपर कायरा को ख़त्म करता है और किडनैपर को वेबसाइट का ऑपरेटर एक गन से शूट करके उड़ा देता है, जिसके बाद में ऑपरेटर बच्चे को ड्राइव करके शहर ले जाता है और उसे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। जब बॉस यानी कि किडनैपर के डैड को ये पता लगता है कि सब मारे गए हैं और रेड रूम ख़त्म हो चुका है, तो बॉस एक लड़की को कॉल करता है जो कि एक दूसरा ही रेड रूम चला रही थी, जिसमें लड़की को नहीं बल्कि लड़के को टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे बॉस ये रिक्वेस्ट करता है कि उसका रेड रूम बंद हो गया है और वो एक हफ्ते के बाद में ही चालू होगा। तो दोस्तों, ये मूवी बेस्ड है रेड रूम के ऊपर। यहाँ पर कायरा को सड़क से किडनैप कर उठा लिया जाता है और कायरा को पता लगता है कि वो एक अलग ही देश में है, जहाँ पर और भी कई सारे देशों की लड़कियाँ मौजूद हैं और इन सभी को यहाँ पर रेड रूम के लिए लाया गया है। रेड रूम एक डार्क वेब प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर लड़कियों को लाइव टॉर्चर किया जाता है और बायर्स को दिखाया जाता है। रेड रूम का मतलब लाल कलर का कमरा नहीं होता, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि डार्क वेब पर चलता है, जिसे अलग अलग देशों के लोग देखते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करते हैं। यहाँ पर पहले लड़कियों को ऑनलाइन दिखाया जाता है, जिसके बाद में सभी उसके ऊपर बिडिंग करते हैं और जो भी व्यक्ति इस बिडिंग को जीत लेता है तो उसकी मेथड से ही उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये माना जाता है कि रेड रूम असली में भी डार्क वेब पर ऑपरेट होते हैं और इनकी डील होती है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता। रेड रूम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जहाँ पर रेड रूम को डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस हम जल्दी ही लेकर आएंगे।